गीत, वो गीत मैं बहुत ही जल्द आपके बीच में लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले चार चार पंक्तियां मैं प्रेम की रखना चाहती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि पूरे पंडाल में इतनी रात में भी कुछ महिला शक्ति वहाँ बैठी हुई है और मंच में भी नारी शक्ति विराजमान है, तो मैं एक जो विशेष गीत है वो मैं अंत में रख करके जाऊंगी, पहले चार चार पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास कर। स्वागत, जुड़ जाइए। कि घर से निकली तो हूँ किधर जाऊं, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊं, रास्ते में कहीं उतर जाऊं, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊं, रास्ते में कहीं उतर जाऊं, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, तू अगर हाँ कहे तो मर जाऊं, तू अगर हाँ कहे तो मर जाऊं, तू अगर हाँ कहे तो मर जाऊं, मन में अरमान भर गया कोई, मुझ पे एहसान कर गया कोई, मन में अरमान भर गया कोई, मुझ पे एहसान कर गया कोई, अब जमीन पर कदम नहीं पड़ते, अब जमीन पर कदम नहीं पड़ते, जब से दिल में उतर गया कोई, क्या बात है, जब से दिल में उतर गया कोई, जब से दिल में उतर गया कोई। और मैं देख एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर। यही कह रहे हैं, इधर जाओ भले उधर जाना, उधर जाना भले उधर जाना, पर रात का समय ध्यान रखना, राम सागर में मत उधर जाना। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा कर इनका मन बनाए एक अच्छे गीत के लिए। ये विद्रोही जी है, ये अक्सर इनके हरकत होती है कि नई नई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। ये फेसबुक आप सभी जानते होंगे, इसकी आवाज, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। फेसबुक अकाउंट आप सभी जानते हैं, ये विद्रोही जी कैसी हरकत करते हैं, ये हर दिन 10 नई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और अपनी फ्रेंड लिस्ट वो बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। मैंने कहा ये फ्रेंड लिस्ट इस तरह बढ़ाने का क्या मतलब बनता है, कह रहे आनंद आता है। मैंने कहा क्या आनंद आता है, बताते हैं कि नहीं मुझे उनसे वार्तालाप करने में बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जिसे आप कैटरीना समझ के बात कर रहे हो वो कटप्पा निकले। जय हो। तो इस तरह की स्थितियां इनके साथ घट जाती है और तब फिर अपनी पीड़ा से गाते हैं कि प्रेम में लड़की पागल है और लड़का बना जमूरा है। आजकल की मोहब्बत किस तरह की मोहब्बत है, किस तरह की, कि प्रेम में लड़की पागल है और लड़का बना जमूरा है, प्रेम में लड़की पागल है और लड़का बना जमूरा है, कहीं किसी को फूल मिला कोई बैठे लिए धतूरा है, कहीं किसी को फूल मिला कोई बैठे लिए धतूरा है, लव यू कह देना ही प्रेम नहीं हो सकता है, लव यू कह देना ही प्रेम नहीं हो सकता है, जब तक प्रेम में पिट ना जाओ समझो प्रेम अधूरा है, जब तक प्रेम। बहुत सुंदर, युवा साथी तालियां बजाकर समर्थन करें, अच्छा संदेश है, जब तक प्रेम में पिट ना जाओ। और आजकल की मोहब्बत किस तरह हो गई है बताती हूँ मैं आपको। बहुत सुंदर। प्रेम में बोलो तुमने पाया क्या, क्या कहने, मोहब्बत किस तरह से करते हो और क्या मिलता है हाथ में, कि प्रेम में बोलो तुमने पाया क्या, रिश्ता ये चार दिन निभाया क्या, प्रेम में बोलो तुमने पाया क्या, रिश्ता ये चार दिन निभाया क्या, जब किया फोन तो यही पूछा, जब किया फोन तो यही पूछा, मेले बाबू ने था न थाया, क्या बात है, बहुत सुंदर, मेले बाबू ने था न थाया त्या, मेले बाबू ने था न थाया क्या।
और आइए इस प्रेम की बात को मैं यहीं विराम देती हूँ। केवल जाते जाते मैं देख रही हूँ कि रात में भी कुछ महिला शक्ति यहाँ बैठी है। एक मैं केवल एक गीत रखना चाहती हूँ, एक अंतिम मुखड़ा रख दीजिए, आनंद आ जाएगा, फिर अगले दौर में अपन सुनेंगे पूरा। कि कल तक घर के भीतर थी, अब कदम बढ़ाना सीख गई। आहा, कमाल। महिला शक्ति के लिए अगर कुछ बात कहनी पड़े तो क्या बात निकल के आती है? जय हो। कि कल तक घर के भीतर थी, अब कदम बढ़ाना सीख गई। लाख मुसीबत आए फिर भी आगे जाना सीख गई। और नारी को कमजोर समझना भूल तुम्हारी है, सुन लो। अरे नारी को कमजोर समझना भूल तुम्हारी है, सुन लो। नारी तो अब सूरज से भी आँख मिलाना सीख गई। बहुत सुंदर। नारी तो अब सूरज से भी आँख मिलाना सीख गई। एक आपने बात सुनी होगी, पिछले दिनों की, पिछले ही कुछ सालों की बात है, जब लालू यादव जी की बेटी ने अपनी किडनी दान देते हुए उन्हें नया जीवन दान दिया। जो बेटियों को आज भी गर्भ में मार दिया जाता है, यहाँ से वो चिंता का विषय निकल के आता है। और मेरा ये गीत, मेरी ये कविता निकल के आती है, जब बेटियां कोख में मार दी जाती हैं, जिन बेटियों को आप जन्म लेने से पहले ही मार दे रहे हैं, आज वो बेटियां इस मुकाम पे आ गई हैं कि अपने माता पिता को जीवन दान दे रही हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, एक गीत मेरा होता है और तब मैं वो गीत यहाँ पे रखना चाहती हूँ। उस गीत से पहले केवल एक पंक्ति में रखना चाहती हूँ, मैं उन पंक्तियों में कुछ इस तरह की बात करती हूँ। बेटियां घोर अंधेरों में एक उजाला है। क्या खूब, वाह सुंदर। बेटियां घोर अंधेरों में एक उजाला है, बेटियां खुशियों भरी मोतियों की माला है। बेटियां खुशियों भरी मोतियों की माला है। बेटियां प्रार्थना उपासना से पावन है, धन्य वो घर है जहाँ बेटियों को पाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य वो घर है जहाँ बेटियों को पाला है, धन्य वो घर है जहाँ बेटी। एक बार जोरदार विदाई की तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। बेटियों को पाला है। और आइए आज जाते जाते प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रख करके जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कमाल, अगर इस मंच से अब राम की बात हो, राम का गीत अगर इस मंच से होगा तो मैं कुछ ना कुछ आशीर्वाद आप सभी का लेकर के जाऊंगी। स्वागत। आइए जाते जाते, गीत लंबा है, केवल राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रख करके जाती हूँ। प्रभु राम ने अयोध्या में किस तरह से अपना घर, कहने की तो बात है प्रभु राम तो हमारे हृदय में बसते हैं, लेकिन फिर भी अयोध्या में जाकर जब प्रभु श्री राम ने अपना वास लिया तो हमारे मन को बहुत गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं और हम जो करने पे आए वो करके रहते हैं। तब मैं कहती हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा एक गीत है, आप सभी का साथ चाहती हूँ, आप सभी की ऊर्जा चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर्वाधिक वायरल गीत है 22 जनवरी का, बस उसका अंतिम एक दो मुखड़े सुना के जा रही है मैडम। कि छोड़ के सुख जो राज महल का, जंगल जंगल घूमे थे। जय हो। छोड़ के सुख जो राज महल का, जंगल जंगल घूमे थे। मात पिता के चरण जिन्होंने निज नैनों से छूमे थे। छोड़ के सुख जो राज महल का, जंगल जंगल घूमे थे। मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से छूमे थे। जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है। जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया। धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया। अपनी करुणा दृष्टि रख हम सब का जीवन तार दिया। अपनी करुणा दृष्टि रख हम सब का जीवन तार दिया। जिनकी जयकारों में जलते, जिनकी जय
जिनकी जयकारों में जलते दीप करे अभिनंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। बहुत सुंदर।